मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि रशिया का एक बड़ा शिप अटलांटिक समुद्र में भटक गया है और वहाँ का टेम्परेचर डिग्री में है। समुद्र के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमा होती है और उस शिप में 70 लोग होते हैं और बर्फ की वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। उस शिप का कैप्टन पेट्रो बहुत ही अच्छा और समझदार इंसान होता है। वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा होता है। शिप बर्फीले पानी के ऊपर से लहरें धीरे धीरे बढ़ रही होती है और उस क्रू में सेकेंड कैप्टन भी है जिसका नाम एमेरी होता है। उसे शिप के आगे एक काफी बड़ा सा आइसबर्ग दिखता है। वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है। एमेरियो पेट्रो को बताता है। पेट्रो शिप को दाहिने तरफ मोड़ने को ऑर्डर देता है। शिप आइसबर्ग के पास जाता है तभी एक आदमी का कुत्ता नीचे पानी में गिर जाता है और उसके साथ वो आदमी भी पानी में गिर जाता है। शिप के सभी मेंबर्स उसे बचाने के लिए आते है। उसे ऊपर आने के लिए रस्सी फेंक देते है। पेट्रो उसे बचाने के लिए शिप को पीछे मोड़ने को ऑर्डर देता है लेकिन शिप का दूसरा कैप्टन एमेरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक आदमी के लिए 70 लोगों की जान दांव पर नहीं लगा सकते और उसके लिए हमें जेल भी हो सकती है। लेकिन पेट्रो नहीं सुनता और शिप को मैनुअल मोड पर शुरू करने के लिए कहता है। एक क्रू मेंबर उसे बचाने के लिए पानी में उतर जाता है लेकिन उस आदमी को वो बचा नहीं पाता लेकिन उस कुत्ते की जान बच जाती है और वो उसे लेकर ऊपर आ जाता है। पानी में उतरे उस क्रू मेंबर की ठंड की वजह से आवाज चली जाती है। इसके बाद शिप उस आइसबर्ग से टकराते आगे आती है। एमेरियो और उसका साथी एथेरेटस को पेट्रो के बारे में रिपोर्ट करते हैं कि उसके जहाज और क्रू मेंबर को खतरों का सामना करना पड़ा और एक नाविक की जान भी चली गई। एमेरियो पेट्रो को पसंद नहीं करता था और उसे कैप्टन की ड्यूटी भी निभानी थी। अब हमें पेट्रो की वाइफ को दिखाते हैं। वो एक जर्नलिस्ट है और उन्हें एक बच्चा भी है। अब पेट्रो के लिए एक संदेश पत्र आता है। उसमें लिखा होता है कि बेहद गलतियों की वजह से उनके हुद्दे से उनको हटाया गया है और न्यू कैप्टन सेवचन को 3 हफ्तों के लिए नियुक्त किया गया है। पेट्रो वापस जाने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और उसमें कुछ बिगड़ाव आ जाता है। इसी वजह से हेलीकॉप्टर शुरू नहीं होता और न्यू कैप्टन पेट्रो को वहाँ शिप में रहने के लिए ऑर्डर देता है। पायलट को भी वही रहना पड़ता है। न्यू कैप्टन बहुत ही स्ट्रिक्ट और गुस्से वाला था। वो अंदर शिप में कैप्टन रूम में आता है। वहाँ पर इधर उधर पड़ा हुआ सामान ठीक करने बोलता है। वहाँ का क्रू मेंबर क्यूब लेकर खेल रहा होता है और ये बात कैप्टन को पसंद नहीं आती। वो क्यूब को शिप के बाहर फेंक देता है। अब क्रू में जर्नल मीटिंग रख देता है जिसमें कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए आइडियाज बताते है। वहाँ पेट्रो भी था और वो क्रू मेंबर का मजाक उड़ा रहा था। ये बात कैप्टन को पसंद नहीं आती। वो पेट्रो का इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि तुम अब हमारे मेंबर नहीं हो और तुम यहाँ से निकल जाओ। पेट्रो बाहर आ जाता है लेकिन कुछ मेंबर्स को ये बात पसंद नहीं आती। उन्हें पेट्रो अभी भी निर्दोष लगता है। अब पेट्रो कैप्टन को बताता है कि एक आइसबर्ग हमारे पीछे आ रहा है। वो पानी से 100 मील ऊंचा है और वो हमारे साथ हमारे पीछे आ सकता है और हमें मिलकर उस पर हल निकालना होगा। कैप्टन उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि ये मैं देख लूंगा, तुम अपने कमरे में जाओ वरना मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब कैप्टन सभी के लिए एक अनाउंसमेंट करता है कि हमें मिनिस्टर से संदेश मिला है कि हमारे लिए मदद जल्द ही पहुंच जाएगी। जब तक यहाँ पर पहुंच नहीं जाते तब तक हमें सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए आज से खाने पीने के लिए और बिजली के लिए कटौती होगी और कैप्टन के संदेश अनुसार शिप में सभी रोशनी बंद हो जाएगी। पेट्रो अब आगे का रास्ता ढूंढने शिप से नीचे उतरकर आगे चला जाता है। उसे बर्फ में वही क्यूब दिखता है जो कैप्टन ने शिप के बाहर फेंक दिया था। वो उसे लेकर अपने पॉकेट में रख देता है। पेट्रो का पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है लेकिन वो गड्ढे से बाहर निकल नहीं पाता। वो अपने पास के एयर गन से ऊपर फायर कर देता है और वहाँ लगी आग पायलट देख लेता है और पायलट अपने टीम को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अब पेट्रो को लेकर शिप में आते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। वहाँ कैप्टन आता है और उस पर चिल्लाता है। वो पेट्रो को कहता है कि तुम्हें कितना समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ मेरे ऑर्डर चलेंगे। पेट्रो कैप्टन को वो क्यूब दिखाता है और कहता है कि मैंने जो कहा है वो सही है, आइसबर्ग हमारा पीछा कर रहा है। और अब कैप्टन को पेट्रो की होशियारी समझ आती है क्योंकि वो क्यूब कैप्टन ने ही बहुत समय पहले आइसबर्ग के पास फेंका था और उसे पीछे ही रहना चाहिए था लेकिन वो क्यूब शिप के पास ही था।
आइसबर्ग उनके शिप के पीछे पीछे आ रहा है। अब पायलट और क्रू मेंबर गाना बजा रहे थे। एक कैप्टन देखता है और सबको शिप के डेक के ऊपर बुलाता है और गिटार गुस्से से तोड़ देता है। सबको पनिशमेंट देता है और सबको आइस क्लीनिंग का काम देता है। पेट्रो अपनी बात कैप्टन को सुनाता है और उसे कहता है कि मिनिस्टर से अभी तक हमें कोई भी मदद नहीं मिली है और यहाँ की बर्फ 1 मिली मोटी हो चुकी है। हम यहाँ पर फंस चुके हैं और इसके बारे में कुछ तो सोचना होगा और हमें मदद पहुँचने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम अभी भी बच सकते हैं, लेकिन कैप्टन अभी भी उसकी बात इग्नोर कर देता है। अब आइसबर्ग ब्रेक होना शुरू होता है और कुछ बर्फ के टुकड़े शिप के कंपार्टमेंट में घुसने लगते हैं। ज्यादा लोड होने के बाद कंपार्टमेंट टूटने लगता है और उसमें पानी शिप के अंदर घुस जाता है। पानी को अंदर आने से रोकने के लिए सब मेहनत करने लगते हैं। जैसे तैसे पानी अंदर आना रुक जाता है, लेकिन शिप के अंदर घुटनों तक पानी भर जाता है और इसी वजह से बचा हुआ राशन भी खराब हो जाता है और पीने का पानी भी नुकसान हो जाता है। अब सब लोग और पेट्रो परेशान हो जाते हैं। अब पेट्रो बिन ऑर्डर के रेडियो हाउस जाता है और खुद को अंदर बंद कर देता है। वो पत्रकार और लोगों को संदेश भेजना चाहता था क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें मदद पहुंच जाए और दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम किसी हालत में है। तभी कैप्टन दरवाजे के पास आ जाता है और उसे बाहर आने को कहता है। पेट्रो बाहर आते ही कैप्टन उसे मारना शुरू कर देता है और पेट्रो को मिशन खत्म होने तक बंद करने का ऑर्डर देता है। और एक क्रू मेंबर वहां पर रह के परेशान हो जाता है और शिप से उतर कर भाग जाता है। वहां के क्रू मेंबर उसे देख लेते हैं और उसे वापस लेके आते हैं और वह कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे जाना है। और वो गुस्सा हो जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर पैर इधर उधर मारने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर चालू हो जाता है। सभी क्रू मेंबर खुश हो जाते हैं, उनके घर लौटने की उम्मीद फिर से जाग जाती है। अमेरियो ये खुशखबर बताने के लिए कैप्टन के पास आ जाता है, लेकिन कैप्टन कुछ भी रिएक्ट नहीं हो जाता और अमेरियो पर गुस्सा हो जाता है। वो अपने मेंबर्स को कैप्टन के बारे में बताता है। अब अमेरियो भी कैप्टन से नफरत करने लगता है और सब लोग मिलकर कैप्टन को हटाने का फैसला लेते है। सब लोग कैप्टन को बताने के लिए उसके रूम में जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पायलट गन लेके पायलट के रूम में बैठ जाता है ताकि कैप्टन बाहर जा ना सके। अब खुद अमेरियो इंजन स्टार्ट करने का आदेश देता है और शिप के चारों इंजन शुरू कर देते हैं। अब पेट्रो कैप्टन के रूम में आ जाता है। कैप्टन को लगता है कि पेट्रो ने ही सब क्रू मेंबर को उसके खिलाफ भड़काया है। पेट्रो उसे बता रहा होता है कि अब इंजन शुरू होने से सब ईंधन खत्म हो जाएगा और ये करने से हमें रोकना होगा। कैप्टन कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश की है, लेकिन पायलट उसे सच बता देता है कि इस सब में पेट्रो का हाथ नहीं है। अब कैप्टन गन लेके इंजन रूम में आ जाता है और सभी इंजन बंद करने के लिए कहता है। आगे ठंड की वजह से क्रू मेंबर से एक डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। उसकी डेड बॉडी पानी में डालकर आगे चले जाते हैं। अब अमेरियो शिप के डेक के ऊपर सुसाइड करने आ जाता है क्योंकि उसने की गई कोशिशें कामयाब नहीं होती। उसे लगता है अब दोनों कैप्टन किसी काम के नहीं है और एक मेंबर की जान भी जा चुकी है। पेट्रो वहाँ आ जाता है और उसे समझाता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। पेट्रो कैप्टन और सब लोग परेशान हो चुके थे। उनके पास 3 दिन का ही ईंधन बचा होता है और वो खत्म होने के बाद सब लोगों की ठंड की वजह से जान जा सकती है क्योंकि ईंधन का उपयोग शिप के गर्मी के लिए करते थे। एक क्रू मेंबर आके सबको बताता है कि आइसबर्ग उनका पीछा करते शिप के नजदीक आ गया है। पेट्रो कहता है कि हम इससे बच नहीं सकते, हम सब आइसबर्ग के बीच में से जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही रिस्क है। कैप्टन कहता है कि हमारे पास ईंधन बहुत ही कम है, इसलिए हम आखिरी वक्त तक ईंधन शुरू करेंगे। पेट्रो कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर से वहाँ जाऊंगा और आगे का रास्ता बताऊंगा, लेकिन कैप्टन कहता है कि तुम नहीं, हेलीकॉप्टर से मैं वहाँ जाऊंगा। कैप्टन जाते समय पेट्रो को कहता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ का सिचुएशन संभाल लेना। वो ऐसा इसलिए कहता है कि पेट्रो की कामयाबी का उसे पता लगा होता है और उसे विश्वास था कि पेट्रो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा। कैप्टन और पायलट हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं। यहाँ पेट्रो इंजन शुरू करने के लिए तैयार रहने को कहता है। इंजन शुरू हो जाता है और बर्फ की परत टूटने लगती है और शिप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पेट्रो एक क्रू मेंबर को डेक के ऊपर आइसबर्ग की दूरी देखने को भेजता है।
शिप आइसबर्ग से 10 मील दूर ही थी। शिप आइसबर्ग के नीचे आ जाती है। पेड्रो अपने मेंबर्स को फुल स्पीड से आगे बढ़ने को ऑर्डर देता है। शिप आइसबर्ग से बच के आगे निकल जाती है। ऊपर पायलट और कैप्टन लैंडिंग करने वापस आ रहे होते हैं, लेकिन हवा तेज होने के कारण हेलीकॉप्टर आइसबर्ग को टकराता है और नीचे गिर जाता है। अब पेड्रो उन्हें बचाने के लिए शिप को फिर से पीछे लेने को कहता है। हेलीकॉप्टर में अटके हुए पायलट और कैप्टन बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलना मुश्किल था। अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा और शिप भी फिर से आइसबर्ग की तरफ नहीं आएगी। अब पायलट जैसे तैसे बाहर आ जाता है, लेकिन कैप्टन पानी में डूब रहा होता है। पायलट उसे बचाने फिर से पानी में कूदता है। शिप की डेक से गूंगा क्रू मेंबर उन्हें पानी में डूबता देखता है और अपनी आवाज से सबको बताता है कि कैप्टन पानी में डूब रहे हैं, और उन्हें बचाने टीम पहुंच जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। अब सब लोग खुश हो जाते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं, और उनके पास मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है, जिसमें शिप के लिए ईंधन होता है और पेट्रो की वाइफ भी वहां पर होती है जो उनकी न्यूज कवर कर रही होती है। वो अपने पति पेट्रो से गले मिलती है। सही समय पर मदद मिलने की वजह से आखिर सब लोगों की जान बच जाती है। अब कुछ दिन बाद हमें दिखाते है कि सब क्रू मेंबर शिप में पार्टी कर रहे है। वहाँ कैप्टन और पेट्रो भी है। पेट्रो की वाइफ ने कवर किया उनका आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। पेट्रो कैप्टन का शुक्रिया अदा करता है। कैप्टन भी पेट्रो की कामयाबी पर खुश हो जाता है और यहाँ पर फिल्म हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।